मुजफ्फरपुर के नगर मंत्री अशोक रंजन जी को आमंत्रित करता है और शहीद जुब्बा सहनी और जानकी वल्लभ शास्त्री की धरती मुजफ्फरपुर की तमाम युवा तरुणाई की तरफ से आज हम अपने आप को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में पूरे दुनिया में जाने जाते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत की जो लोकतांत्रिक यात्रा है वो बड़े सफलता के साथ चल रही है। परंतु मित्रों, इस लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र के इसको मिल सकता था, उस पर कुठाराघात करके एक युवा नेतृत्व भीषण संकट के समान है। मित्रों, जिस छात्र संघ के सीढ़ियों पर चढ़कर आज सत्ता के मोह में फंसे हुए नेता ये आज विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय जो केंद्र जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आज विश्वविद्यालयों के अंदर सीनेट और सिंडिकेट में सिलेक्शन के नाम पर आज छात्र संघ चुनाव के साथ कुठाराघात हो रहा है और जहां कहीं भी छात्र प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय में सीनेट सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में नियुक्ति होती है वहां सिर्फ और सिर्फ बीसी के मनपसंद लोगों को पैरवी पुत्रों की नियुक्तियां होती है। सीनेट सिंडिकेट के वो मेंबर बनते हैं और ये छात्र संघ चुनाव के साथ बिल्कुल मजाक हो रहा है बिहार में। मित्रों, हम लोग युवा हैं और भूलवश इस भ्रष्ट राजनीति को अपना अंग मान बैठे हैं और इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। बंधुओं, आज हम उस राजनीति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि झूठ दम में विश्वासघात छल से स्वार्थ पूर्ति करते हैं, कोई भी अनीति करने में ये लोग नहीं डरते हैं, सत्य धैर्य विश्वास और सद्गुण सारे पैसे पैसे पर बिकते हैं, कूटिल नीति के मारे। मित्रों, ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करके युवा शक्ति अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही है। मैं यहाँ पर मीडिया के प्रतिनिधियों के माध्यम से बिहार सरकार को यह संदेश विद्यार्थी परिषद की तरफ से भेजवाना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव को लेकर बिल्कुल कटिबद्ध है। अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे तो विद्यार्थी परिषद अब सड़कों पर उतरने वाली है। मैं यहाँ से इसका शंखनाद करता हूँ, इसकी शंखनाद करता हूँ। नेता निकला है विजयी शंकर शर्वे। हम जानते हैं कि छात्र संघ के नाम पर हम लोगों से शुल्क लिया जाता है। आज बिहार में छात्र संघ चुनाव हुए, अनेक वर्ष हो गए, लेकिन हर वर्ष हम लोगों से छात्र संघ चुनाव मद में 4 रुपये प्रत्येक विद्यार्थियों से लिया जाता है। जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो फिर पैसे लेने का क्या मतलब? और जब छात्र संघ चुनाव के मद में जो पैसे अभी तक लिए गए हैं उसका हिसाब कहाँ है? कुछ रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक जी छात्र संघ चुनाव में लिए गए मद का उपयोग फर्नीचर खरीदने में हो रहा है। जिस पैसे का उपयोग छात्र हित में होना चाहिए, छात्र संघ छात्र हित में बनाया गया है, उस छात्र संघ मद में लिए गए शुल्क का और जो पैसे वसूले गए हैं उसका छात्र हित में खर्च करने का पूरा मसौदा तैयार हो, वो पैसा खर्च हो छात्र हित पर। आज छात्र संघ चुनाव में रैली का अड्डा बन गया है। आज महाविद्यालय विश्वविद्यालय में तमाम गतिविधियां ठप पड़ी हुई है। मिट्टी सोने का ताज पर मिटराती है, दोरा समय के रखता घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन करो। मंत्री